बहुत बहुत शुक्रिया एक आम आदमी को इतना प्यार देने के लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, आजकल दिल्ली में हालात ऐसे हो गए हैं, आप अपने आप को आम बोलो वैसे ही आप खास हो जाते हो। कहते हैं दिल्ली जिसे प्यार कर ले उसे पूरे हिंदुस्तान के दिल में जगह मिल जाती है। शायद यही रीजन था कि हम अपने नए शो की शुरुआत दिल्ली से कर रहे हैं। एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जो हमसे पास लेकर आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो लोग बिना जान पहचान के जुगाड़ करके आए हैं उनको मेरा सल्यूट है। आप लोग देश का गौरव हैं। और जो बिना पास के अंदर घुस आए हैं मैं मोदी जी से बोल के उनकी पेंशन लगवाने वाला हूँ। आप लोग कमाल हैं। कई मियाँ बीवी को दो पास मिलते ना, साथ में 12 साल का बच्चा लेके आ जाती हैं। भैया ये तो 6 साल का, इसको तो आने दो। भैया ये तो ऐसे ही आ गया। मैंने कहा पास दो तो 3 कैसे आ गए? मैं पास की बात नहीं करनी हुई, दुनिया में ऐसे आ गया, कोई प्लानिंग नहीं थी। एक्चुअली क्या है ना, एक बार मेरे हस्बैंड के ऑफिस में स्ट्राइक चल रही थी तो वो जल्दी घर आ गए, बस फिर ये भी आ गया। जाने दो ना भैया अंदर। अच्छा, देश के किसी भी हिस्से में कोई मूवमेंट चल रहा हो, कोई आंदोलन चल रहा हो, हर आदमी एक ही बात बोलता है, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। मुझे ये नहीं समझ में आता दिल्ली में किसको सुनाने आते हैं ये। मोदी साहब वैसे बिजी हैं, बाकी बच्चे गवर्नर साहब और केजरीवाल साहब वो एक दूसरे की नहीं सुनते, तो सुनाने आते किसको मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, जब से आम आदमी की सरकार दिल्ली में बनी है हर कोई आम आदमी मुख्यमंत्री साहब के पास अजीब अजीब फरमाइश लेके पहुंच जाता है। एक परसों एक आदमी चला गया, कहना मुख्यमंत्री साहब जैसे आपने बिजली के दाम आधे करवाए हैं मेरी बीवी के खर्चे आधे करवा दीजिए। सामने से सीएम साहब बोल रहे, ओ जी बीवी के खर्चों की वजह से तो मैं सीएम बनाऊं जी, वरना जूस तो मुझे अन्ना हजारे के साथ धरने में मिल जाता था। खैर जोक सपाट, आपको पता है दिल्ली का वेदर आजकल हम लोग वेदर रिपोर्ट में नहीं देखते, हम लोग न्यूज देख लेते हैं। अगर तो सीएम साहब ने मफलर पहना हुआ है समझो सर्दियां हैं। पर कभी कभी कंफ्यूज भी कर देते हैं, मार्च अप्रैल में भी बांध के घूमते हैं। बेसिकली आज ये हमारा शो नहीं है, बेसिकली शो हमारा कल से शुरू हो रहा है, आई मीन 24th of April से। हमारे दिलों में एक बात थी, हमारे सबकी चाहत थी, सब आर्टिस्टों की, चैनल की, कि हम लोग एक बार दिल्ली में जाएं। हमेशा दिल्ली से बहुत प्यार मिला है और आप सब लोगों से लाइव मिलके कुछ मजा करें। सो आज सिर्फ हम लोग मस्ती मजाक करने वाले हैं, और कल से जो शो शुरू हो रहा है द कपिल शर्मा शो, आप लोग जरूर उसको प्यार देंगे, हमें उम्मीद है। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। अच्छा, अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके बारे में मैं जितना जानता हूं उतना ही कम है। कभी कभी मुझे लगता है ये क्रिकेटर है, कभी कभी मुझे लगता है ये पॉलिटिशियन है। कभी मुझे लगता है ये कमेंटेटर है। हार के मैंने एक चीज जान ली है कि एक आध चीज छोड़ के बाकी ये सब कुछ है। प्लीज वेलकम द वेरी ओन लाफ्टर बुद्धा, नो चाइनीज इंटरफेरेंस, प्लीज वेलकम मल्टी टैलेंटेड मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू। आपकी पेमेंट हो जाएगी, ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। पाजी, आप तकरीबन दिल्ली में भी रहे हो, मुंबई में भी रहे हो, अमृतसर में तो आप रहते ही हैं। आपको दिल्ली अच्छी लगती है या मुंबई? जो हंसते हंसते बीत जाए वो पल खास होता है। वाह, बिना बोले बिना कहे प्यार का एहसास होता है। वाह, वैसे तो कई शहरों में मकान है मेरा, पर ये दिल्ली, दिल्ली बोल 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 बोल, पर ये दिल्ली मुझे अपना घर लगता है, यहां मुझे स्वर्ग का एहसास होता है। तो दिल्ली में सिद्धू पाजी को स्वर्ग जैसा आभास होता है, भाभी तो अमृतसर में रहती हैं, फिर कौन आपके पास होता है जिसकी वजह से आपको स्वर्ग का आभास होता है? मैं सीरियसली पूछ रहा हूं। कभी ऐसा हुआ आपको भाभी ने बुलाओ कि शेरी प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दो? प्लीज कुछ नहीं,
शेरी एक कप चाय। अच्छा पाजी चाय बनाते होंगे, मैं सोचता हूँ पाजी चाय कैसे बनाते होंगे। हाँ। चाय बनाए, पतीले में पानी रखा और ये ले करूँ चाय, ये ले पत्ती, ये ले चीनी, ये ले दूध। बाद में पता चला सारा सामान जमीन पे गिरा हुआ है, पतीले में सिर्फ पानी है। पर पाजी आई लव यू यार। पाजी के लिए जोरदार ताली हो जाए। पाजी आप इतने शेर सुनाते हो। हाँ। आपने कभी भाभी के लिए कभी शेर बोला कभी? भाई मैंने तो पहले दिन उसको कह दिया था। क्या? तू मेरा मंदिर, तू मेरा मंदिर, मैं तेरी पूजा। वाह। तू मेरा मंदिर, मैं तेरी पूजा, तू है शेरनी और मैं डरा हुआ चूजा। तो मतलब ये है कि आपने मतलब पहले ही हथियार डाल दिए भाभी के सामने। भैया जब मैच जीतने का कोई चांस ही ना हो तो टीम डिक्लेयर कर देनी चाहिए। वैसे ईमानदारी है, ईमानदारी है, ईमानदारी। पाजी आप प्लीज जाके अपने सिंहासन पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। सिद्धू पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। साथियों अब मैं आपको अपनी टीम के साथ रूबरू कराना चाहता हूं। मेरे साथी कलाकार, को आर्टिस्ट, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहता हूं मिस्टर अली असगर। प्लीज वेलकम की कुशाना। अब आपकी तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूं मिस्टर सुनील ग्रोवर। अभी आप आराम से बैठ जाइए। विशाली अजगर, किकू शारदा, शुमोना चक्रवर्ती, सुनील ग्रोवर एंड चंदन प्रभाकर। शुक्रिया। ये हैं अली अजगर एंड ही इज ए मैन, ट्रस्ट मी। ऊपर वाले की दया से मैं एक मुकम्मल मर्द हूं, लेकिन किसी मर्द के क्रिएटिविटी के चक्कर में मुझे बार बार लड़की बनना पड़ता है। ये है वो आदमी जो मुझे लड़कियों के कपड़ों में डालता है। पता नहीं आपको मेरी मर्दानगी से क्या तकलीफ है, मुझे पता ही है। मैं आपको ऐसे आजकल एक्चुअली ना अली भाई को सच्ची में आदत हो गई। आपको पता है इनकी वाइफ मुझे फोन करके कहती पिछले हफ्ते, कहती आप प्लीज जल्दी से शो शुरू करो, मेरी नाइटी पहन के रात को बच्चों को बोलते मैं ही तुम्हारी असली मम्मी हूं। अली भाई आपका लोग ही डिसाइड करेंगे आप मिस्टर अली असगर को किस रूप में देखना चाहते हैं, जेंट्स या लेडीज? ओके जो लोग चाहते हैं ये जेंट्स के रूप में आए हाथ खड़ा करें, कोई नहीं। जो चाहते हैं लेडीज के रूप में आए। अली भाई आपकी टेंशन खत्म, जनता के खिलाफ नहीं जाना, आपका सामान पीछे पड़ा है। नहीं लेडीज कहती है समझ में आता, मर्द क्यों हाथ उठाते, मुझसे क्या फायदा मिलेगा आपको? पर मैं उसके बाद मिलाना चाहता हूं किकू शारदा जी को। ये पहले ऐसे क्रांतिकारी कॉमेडियन हैं जो कॉमेडी के चक्कर में जेल भी जा चुके हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.